Cheers. Hi guys, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में. आज के हमारे गेस्ट हैं गौरव सिंह. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम गौरव. अच्छा गौरव, मुझे एक बात बताओ. पहली शर्त यह है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी रॉ. आप कोई फिल्टर यूज नहीं कर सकते और आप हर वही जवाब देंगे जो सच है. बिल्कुल. आप रेडी हैं? बिल्कुल. सो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा शो. गौरव मुझे एक बात बताओ. जी. जितना मैं जानती हूँ, आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं. यस. और आप बॉम्बे से भी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं. सो जब आप पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको एक एक्टर बनना है, तो आपके पेरेंट्स का, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? और जब आपने डिसाइड किया था कि आप इतनी एक्टिंग करेंगे और आज आप अपनी जर्नी देखते हैं, तो आप उसे कहाँ पर रेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि मैंने तो स्टार्टिंग से मुझे बनना एक्टर ही था एक्चुअली. क्योंकि शुरुआत में होता नहीं कि जैसे हम चीजों को देखते हैं, शुरुआत क्या है, सबको मतलब नेम फेम पैसा सबको अट्रैक्ट करता है. ये नेचर की देन है या तो एक ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं इसको. या तो एक होता नहीं शुरू से ही आपको, और जो हमारी फैमिली है वो तो दूर तक कोई वास्ता नहीं है इसका, है ना. तो मैं लखनऊ में स्कूलिंग करता था अपनी बुआ के घर पे रह के. तो जब मेरा ना 10+2 क्लियर हुआ है ना, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके पहले की बात बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पे ना इन सब चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं. हाँ, है ना, एक्टिंग को या थिएटर को या जो भी चीजें हैं. क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की फैमिली है उनको लगता है कि आप एक इफ यू हैव गवर्नमेंट जॉब या एक सेटल्ड आपके पास कुछ है तो फिर आप सक्सेसफुल है, अदरवाइज आपके पास कुछ भी है तो आप कुछ भी नहीं है. कर लिया तो आईएएस ऑफिसर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ. या सिविल सर्विसेज यू कैन से. तो वो चीजें हैं. तो मेरे यहाँ था कि शुरुआत में, लेकिन जो मेरी बुआ थी ना मेरी मम्मी से ज्यादा सपोर्ट करती हैं और करती थी पहले शुरुआत से ही. तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बॉम्बे में आया हूँ और या मैं जो छोटा मोटा काम कर रहा हूँ तो इस पे हमारी बुआ का बहुत वो है, सपोर्ट है. शी ऑलवेज सपोर्ट टू मी एंड शी ऑलवेज स्टैंड विद मी. तो वो चीजें हैं. तो उन्होंने तो मेरा जितना भी सारी चीजें रहा है ना तो उनके उसमें ही रहा है, चाहे वो पढ़ाई रही हो या जब मैंने शुरुआत किया थिएटर का. तो वो चीजें हैं. तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है ना, हमेशा मोटिवेट किया है. मेरी मॉम ने भी. अभी भी जैसे क्या होता है कि बॉम्बे में हमेशा आपके पास काम नहीं होता है. Correct. है ना, खासकर जब स्टार्टिंग दौर आपका होता है तो बहुत नेगेटिविटी आती है क्योंकि आपके पास कोई भी काम नहीं होता है और कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं होता है. बिकॉज यहाँ पे जितने भी आपके दोस्त यार बनते हैं या जितने भी लोग मिलते हैं सब सेल्फिश होते हैं. खैर इसमें गलत भी कुछ नहीं है. हाँ. है ना, जैसे मैं भी हूँ अपनी चीजों को लेकर के. तो वो चीजें हैं. तो शुरुआत में तो मेरी मॉम का अभी भी है कि जब मैं अभी भी दुख होता हूँ या कुछ भी होता है तो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीजें. तो ये है. और रही बात अभी करियर की बात करें तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है कि मैं अपने आप को रेट करके डिसाइड करूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से यहाँ पे आया हूँ. क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए वो अभी मिली नहीं फिलहाल, और जो चीज नहीं चाहिए तो वो तो ऐसे है. तो वो चीजें हैं. बट मैं एक चीज के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ. हाँ. कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ आज वो बहुत लोगों के उसमें नहीं है. क्योंकि जब मुझे लोग डीएम करते हैं या बोलते हैं कि प्लीज मुझे सजेस्ट करो ना आप कि मुझे करना है और प्लीज मुझे बताइए, या मुझे अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स के या डायरेक्टर्स से कॉन्टेक्ट कराइए, या आपकी जो सबसे फेमस और सबसे सुपर हिट डायरेक्टर है मिस गहना वशिष्ठ जी उनसे प्लीज मिला दीजिए. हाँ, तो वो चीजें हैं. तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत नाइसली साउंड करता है जब मुझे कोई ऐसा बोलता है. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड बट होप सो बहुत जल्द आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊं मैं. आई विश. तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी हम लोगों ने तुरंत बात की फॉलोवर्स की जो डीएम करते हैं कि यार हम आपके फैन हैं, हमें आपके जैसा बनना है, और यही फॉलोवर्स को अगर आप रिप्लाई नहीं करो तो आपके फोटोज के नीचे जब वो कमेंट करते हैं गंदी गंदी गालियां देते हैं जो हाइट ऑफ हाइपोक्रेसी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे फॉलोवर्स को? देखिए अभी आप क्या कहते हैं कि जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो आप किसी की मेंटालिटी को कुछ नहीं बोल सकते हैं. हाँ. है ना, कोई आईएएस ऑफिसर हो, वेल एजुकेटेड हो या नॉन वेल एजुकेटेड हो, है ना. क्या होता है समटाइम्स जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं लेकिन समटाइम्स आप उनको रिप्लाई नहीं देते हैं. हाँ. तो वही आके आपके कमेंट बॉक्स में या जब आप लाइव आते हैं वही गंदी गंदी बात बोल रहे होते हैं. हाँ.
तो वो चीजें हैं। तो वी कांट से एनी पर्सन की मतलब कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर अपनी वही असलियत पे आ जाते हैं। यू कैन से कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप डीएम में, अगर समटाइम्स हम रिप्लाई नहीं दे पाते क्योंकि इतने ढेर सारे डीएम्स होते हैं लोगों के, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इंस्टा पे बैठे रहते हैं, सबके पास काम है ना, मीटिंग है, ऑडिशंस हैं और हमारे शूट्स हैं, तो उसमें बिजी होने के बावजूद। बट वही है कि सबका मतलब एवरी पर्सन इज डिफरेंट पर्सनालिटी एंड डिफरेंट थिंग, सो वी कांट से क्योंकि बाद में क्या है लोग पूछेंगे जरूर, तो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है और आप किसके साथ दिल से काम करना चाहते हैं या कर चुके हैं? देखिए रही बात तो फेवरेट एक्ट्रेस की, तो ढेर सारी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है, और उसमें से भी जो ढेर सारी भी में से भी हैं, जो कुछ है जो कि बहुत अच्छी हैं, अगर हम एक्टिंग स्किल्स की बात करें, ब्यूटी की बात करें, फेम की बात करें, या एक सबसे बड़ी बात करें कि एक गुड ह्यूमन बीइंग की बात करें, है ना, तो उसमें से बहुत हैं। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसका नाम तो लेना, बट फिर भी ऑफकोर्स लेंगे क्योंकि है मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो प्रिया बहुत अच्छी हैं, प्रिया गामरे बहुत अच्छी हैं, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शरण्या अच्छी हैं, मुस्कान अच्छी हैं, और क्या कहते हैं कि पीहू अच्छी हैं, और एक दो और नाम ले लो, ढेर सारे हैं, ढेर सारे देना नहीं, वही मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर इंटरव्यू रिलीज होने के बाद सबके मुझे फोन आए तो लोग बोले, आपको बताऊं कि जो मेरी फर्स्ट बोल्ड की सीरीज थी वो इन्हीं नाम के साथ शुरू हुआ था हमारा ये बोल्ड का करियर, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उसका क्रेडिट इनको ही जाता है क्योंकि जो हमारी शुरुआत थी पहली फिल्म की और इन्होंने मुझे उसमें एज अ हीरो लॉन्च किया था, तो वो यही खूबसूरत है। क्या नाम था फिल्म का बताना जरूरी है अभी? बिल्कुल बताएं। थर की चोटू। पता है गौरव, मेरी ना जितनी फिल्में हैं ना, अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा मीम्स बने हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा कोई फिल्म 2400 घंटे में वायरल हो गई थी तो वो थर की चोटू थी। यस। तो मेरे लिए हमेशा लकी रहेगा गौरव, बहुत कमाल की फिल्म थी, मुझे याद है उसमें आर्टिस्ट थी पल्लवी बवाले। yes, yes, yes. और पल्लवी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं था, आपने ही बनाया था सेट पे पैकअप के बाद। आई नो एंड आई रिमेम्बर, है ना, और शायद 24 घंटे में उसके 25,000 से 26,000 फॉलोवर्स हो गए थे। यार ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, पब्लिक वाज क्रेजी बिहाइंड दैट फिल्म, और आज भी उसके ना कुछ केक्स ऐसे आते हैं। पता क्या होता है, एक स्टोरी बताती हूँ, मैं लॉकडाउन में जब पहला लॉकडाउन लगा तो मैंने shaadi.com पे अकाउंट बना लिया, और मैं ऐसे थी कि यार हफ्ते 10 दिन में शादी हो जाएगी, तो मुझे एक पायलट मिलता है कतार एयरवेज का, उसका okay. बेस दोहा होता है और सेम कास्ट का अहमदाबाद से, तो उससे मेरी बात होती है कि यार आप बहुत खूबसूरत है, आप एक्ट्रेस, आपसे बात हो पाएगी ना? मैंने कहा यार मैं तो सबसे बात करती हूँ उसमें, तो प्रभ नाम था उसका शायद, ऐसे कुछ नाम था, वो टेलीग्राम पे जाता है, टेलीग्राम में पहले तो लिंक आता है छोटी छोटी डाल के मैं गहनो, तो मुझसे कहता है आप ये डायरेक्ट कर दी, मैंने कहा तो क्या होता है, मैं कहती हूँ, तो मुझसे कहता है अच्छा, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा। बंदे ने 3 बार तो फिल्म देखी होगी और रात भर खुशी से सोया नहीं होगा या तो ज्यादा ही सोया होगा, क्योंकि लिटरली ठरकी छोटू एक्चुअली ठरकी यार। इवन मैं आपकी सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको बताऊं कि जब आपने वो टेलीकास्ट किया था ना, आई थिंक वो जो 15 डेज का लॉकडाउन था उसके बाद ही आपने उसको टेलीकास्ट किया था हॉटशॉट डिजिटल पर, तो जो रिलीज किया था उसके बाद ना, क्योंकि उसमें आपने थोड़े से जो म्यूजिक वगैरह थे वो साउथ शीट्स दिए थे आपने, तो मुझे वहां के लोगों ने बहुत डीएम किए थे फर्स्ट टाइम, और मुझे ना दैट टाइम इट वॉज वेरी नाइस बिकॉज बिल्कुल आप नए होते हो और जब अनजान लोग आपको मैसेज करते हैं और आपके काम को अप्रिसिएट करते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। अभी भी मुझे अगर मेरे काम को कोई बोलता है आके
कि आपने इसमें बहुत अच्छा काम किया। जैसे अभी भी मेरी कुछ कुछ सीरीज हैं और जब मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि अच्छा आपने वो किया है ना, उसमें बहुत अच्छा काम लगा है मुझे। आपका नाम बताओ, वो कौन सा है? अभी जैसे मैंने उल्लू का किया था, चाबी वाला, तो अभी भी उसको लोग, इवन मेरे पास कल भी कॉल आया था एक सीरीज के लिए, अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने वो फिल्म देख के, सॉरी वो सीरीज देख के मुझे कॉल किया था किसी मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जब आप काम करते हो और लोगों को आपका काम अच्छा लगता है और फिर वो लोग आपको रिव्यू करते हैं या बताते हैं आपके काम को, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ट्रूली अगर तुम चाबी वाला बनकर अलग अलग जगह की चाबी खोल रहे होते हो तो और मजा आता है। इवन मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे कितने लोगों ने डीएम किया ना कि भाई अगर मेरा ताला, अगर चाबी गुम हो गई ना तो मैं ताला तोड़ना जरूरी समझूंगा लेकिन चाबी वाले को बुलाना नहीं। वो काइंड बात है। अच्छा गौर एक बात मुझे बताओ, पर्सनल है हां बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ है कि सेट पर जैसे मेकअप सीन चल रहे हैं ना और इमोशंस आ गए हो, फीलिंग्स आ गई हो, तो ऐसा होता ना कि यार उस समय लग रहा है बस कट ना करे, सीन चलने दो, ऐसा कब हुआ है मुझे बताओ? क्या कहते हैं कि जब आप नए होते हो ना तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है क्योंकि आप किताबी ज्ञान लेके आए रहते हैं, प्रैक्टिकल की है ज्यादा आपको नॉलेज नहीं रहता है। तो कितना भी आप, जैसे अगर हम, मैं थिएटर भी करता था या यहाँ पे आने पर मैंने क्लासेस भी की, वर्कशॉप भी किया, तो सिर्फ मैंने सुना है ना, मैंने सिर्फ सुना, बट क्या होता है कि जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको पता चलता है। तो स्टार्टिंग डेज में कई बार ऐसा हुआ था कि हाँ बस ये लम्बा यहीं पे रुक जाए और ये चलता रहे, चलो ठीक है ये तो नहीं हमारी बात। और ये जैसे कि आप भी एक अदाकार हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है इवन सारे ओटीटी पे एंड फिल्मों में भी, तो आप मुझे वो बताइए कि जब आप किसी लड़की के साथ मेकआउट सीन कर रही हो, वो लड़का आपको इतना हैंडसम लगा हो कि आपको ये लगा हो कि बस यही है मेरा राजकुमार, आगे इसके साथ मैं अपना फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ। क्या वो गौरव, अभी तक तुम्हारे साथ कोई सीरीज हुई नहीं ना ऐसी वाली? होगी तो फिर बताऊंगी, ठीक है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि है तो ह्यूमन नेचर ही ना सबका, सबकी फीलिंग्स है, सबकी इमोशंस है। ऐसा थे नहीं, आपको अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला होगा या ऐसा कोई एक्टर नहीं मिला होगा जो आपको अट्रैक्ट ना किया हो? एक बार हुआ था मैं एक स्टोरी कर रही थी प्रॉमिस, हॉट शॉट्स की थी, यश था उसमें एक्टर, तो मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट सीरीज थी, उतना बोल्ड मैंने नहीं किया था। हमारे डायरेक्टर ने हमको पूरी रात रगड़ा था, पूरी रात, कभी अलमारी पे बैठा के, पलंग पे बैठा के, कभी कहीं और लेटा के, कभी सामान गिरा के, हम ना पता नहीं यार 24 मिनट की फिल्म है, हम 24 घंटे वही कर रहे थे। मतलब यश ऐसे उठा रहा है मुझे, यहाँ पटक रहा है, फिर वहाँ पटक रहा है, फिर उधर पटक रहा है, और मैं थक गई थी। तो एक टाइम की वजह मैंने अपने आप को ना छोड़ दिया कि यार बस यार, तो मुझे जेन्युइनली यश के लिए फीलिंग्स आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, अच्छा लगा सुन के, क्योंकि बहुत कमी लोग हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, खासकर तो कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नहीं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो पर्ची बटने की ऑनेस्टी है। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि आप सच में बहुत ऑनेस्ट हैं। ये फैक्ट है, सी इज लवली पर्सनालिटी, शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, इवन सी इज वेरी गुड डायरेक्टर। और सबसे अच्छी बात कि जब आप इनके साथ काम करते हैं, ट्रूली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ कि जब आप इनके साथ काम करते हो ना, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप शूट पे हो। या जितने भी हमारे कॉमन फ्रेंड है वो सब भी, सबका वही सेम, अगर जो मैं बोल रहा हूँ उनका भी वही रिव्यू है कि जब वो गहना मैम के साथ काम करते हैं तो उनका वो जो एटमॉस्फेयर होता है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, मतलब लाइक अ फ्रेंडली है ना, कभी आपको लगेगा नहीं कि कोई प्रेशर है या आपको किसी भी बात का मतलब टेंशन या आप स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई है या कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल कंफर्टेबल। मैं तो कितना मस्ती करता हूँ, 30-32 सीरीज की हूं और मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं देती, कोई टेंशन नहीं, आराम से आओ, हंसते खेलते करो, चले जाओ, तो ये चीज तो है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कभी ऐसा होता है ना सेट पे आपने किसी लड़की के साथ सीन किया,
फीलिंग्स तो आ गई हैं. फिर ऐसा हुआ कि रात को उसकी याद आई हो, फिर लगा यार आई विश आई वुड हैव टेकन अ नंबर, और चलो नंबर ले लिया है, फिर उसको कॉल करके कभी बाहर मिले हो, कॉफी शॉप पे गए हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ये तो बहुत बार हुआ है ये तो. हाँ, ये तो नॉर्मल है क्योंकि देखो सी, मुझे नहीं पता था. जब आप काम करते हो किसी भी के साथ में, खासकर तो लड़कियां नई हो या पुरानी है ना, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, फिर नेक्स्ट डे सुबह से लेके शाम तक, और फिर सेट पे क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि सेट पे काफी लोग होते हैं, सब अपने काम में बिजी रहते हैं. कोई एक्टर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो आप फोन में लगे रहो, या तो अपने कोई एक्टर के साथ टाइम पास करो, या जो और रहते हैं, तो फिर वो बॉन्डिंग हो ही जाती है फ्रेंडली. तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि फिर मिलना जुलना, या क्या कहते हैं कि कॉफी नॉर्मल. सेट पे मिलने के बाद किसी लड़की से आपको मोहब्बत हो गई हो और आप उसके साथ काफी टाइम तक रिलेशनशिप में रहे हो, ऐसे कौन कौन थी? दो तीन नाम बताएंगे. नहीं नहीं, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ दो तीन थी. एक थी. हाँ, क्या कहते हैं कि कौन थी? नहीं नाम तो एक थी, तो नाम तो बनता है. नहीं नहीं, नाम तो नाम नहीं बताएंगे, अब जानती हैं, लेकिन नाम बताएंगे तो जानती तो मैं सब. तो वो चीजें थी. बट अभी भी नहीं, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अभी भी वो है किसी के साथ में है. ओ पी,